लोकसभा चुनाव में नेता घर घर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, पर जबलपुर के ककड़तला नया वार्ड में ग्रामीणों ने नेताओं को अपने वार्ड में घुसने पर रोक लगा दी। उनका कहना है कि पानी नहीं तो वोट नहीं, सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि बाकी के दिनों में भी लोगों को पीने का पानी उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारी टीम ने जब उस क्षेत्र का जायजा लिया तो ग्रामीणों का कहना था कि हम किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को हम अपने वार्ड में घुसने नहीं देंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि पानी नहीं तो वोट नहीं। हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने जब पार्षद विनोद चौधरी से बात की तो विनोद चौधरी ने दो टूक कह दिया कि पानी नहीं तो वोट नहीं, चाहे वह हमारी पार्टी भाजपा ही क्यों ना हो। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि मैं एक सेवक हूं, गांव की सेवा करना मेरा धर्म है, अगर उन्हें कोई तकलीफ होगी तो उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा। पार्षद का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया पर वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्षद ने हमारी टीम के सामने नगर निगम आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला जी को भी कॉल किया तो उन्होंने पार्षद का कॉल नहीं उठाया। जबलपुर में यह पहला मामला नहीं है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। अब यह देखा जा रहा है कि एक तरफ लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण हो या फिर शहर की जनता, नाराजगी देखने को मिल रही है। अब यह सवाल खड़ा होता है कि इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा या इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी। पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। पानी नहीं तो वोट नहीं जनता की ये मांग है। मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ। ये चार वर्षों से लगातार मैं पानी के लिए यहाँ नगर निगम को लेटर देता रहा, तो पहले तो यहाँ टैंकर आ भी जाते थे, मगर इस वर्ष मध्य प्रदेश शासन ने जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी कांग्रेस की, जब से टैंकर टोटल बंद कर दिए। अब यहाँ पर कोई खनन नहीं है, कोई हैडपम्प नहीं है, ये जनता नाला और तालाब का पानी, जो तालाब का गंदा पानी है, वो पानी पीने के लिए मजबूर है। इसलिए जनता ने मेरे से कहा कि पार्षद जी आप वोट किसी के लिए ना मांगे मेरे से, हम लोगों से, जनता से, क्योंकि हमारी कोई बात सुनवाई नहीं होती है, हम 4 किलोमीटर लाइन लग के वोट डाल के आते हैं। तो जनता ने कहा हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम मतदान नहीं करेंगे, ना कांग्रेस को करेंगे ना बीजेपी को, जब तक हमें पानी की साधन नहीं बन रहा। और साथों साथ ये डुमना वाली रोड में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट यहां से गेट बंद कर रही, ये कच्चा रास्ता, अभी आप लोग भी अगर आए होंगे यहां से देखे होंगे, तो जब आप लोगों की गाड़ियां नहीं संभल रही तो छोटे छोटे बच्चे यहां, बच्ची हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, मजदूर वर्ग हैं, अब वो पानी भरें कि वो अपनी मजदूरी करें कि अपने बच्चे पालें, यहां पानी की समस्या है। तो मैं यही मांग करना चाहता हूं जनता की तरफ से, अगर चुनाव पे चाहे मेरी पार्टी हो बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, यहां पर पहले पानी की व्यवस्था करें, जब ये जनता जाके कहीं आपको मतदान करेगी। नहीं, जनता की साफ मांग है कि हम मतदान नहीं करेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पानी एक एक बूंद के लिए यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं। 2 किलोमीटर से साइकिलों से अपने सर पे दो दो मटके रख के 2 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। भाई क्या मतलब, जब नगर निगम में हम शामिल हुए हैं, शहर का टैक्स दे रहे हैं, और जनता को जब वो सुविधा नहीं मिलेंगे आप डंडा मार के उनसे टैक्स लोगे। हम एक जनप्रतिनिधि, पहले मैं एक निर्दलीय पार्षद था, आज मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूँ, इसके बाद यहाँ पर ये दिक्कत है कि जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। तो यही की मांग को देखते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करवाई जाए। अगर बोर नहीं हो रहे हैं तो रेगुलर यहाँ पर 4 टैंकर आना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ये गरीबों का गुजर बसर हो।